हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जुगल किशोर फ्रॉम एनआईटी वारंगल। लास्ट क्लास में हमारा मैपिंग स्टार्ट हो गया था, और मैपिंग में हमने मतलब लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि मैपिंग होता क्या है, मैपिंग कितने टाइप्स की होती है, हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया था। और हमारा पहला जो टाइप्स था, हमारी 5 टाइप की मैपिंग होती है। तो पहले फर्स्ट और सेकेंड टाइप, वन वन एंड मेनी वन, उसको हम डील कर रहे थे। तो वन वन और मेनी वन को कैसे चेक करते हैं, उसको हमने टाइप 1 पढ़ लिया था यूजिंग ग्राफ, हॉरिजॉन्टल टेस्ट। उसका एक और नाम क्या था, हॉरिजॉन्टल टेस्ट। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो अगर एक जगह कट हो रही है तो क्या होता था, वन वन। एंड अगर एक से ज्यादा जगह कट होती है तो वो क्या कहलाता था, हमारा मेनी वन। ठीक है सर, आज हम पढ़ेंगे टेस्ट 2 या टाइप 2। टाइप 2 क्या होगा, ये टाइप 2 पढ़ क्या रहे हम, टाइप 2 पढ़ क्या रहे, वन वन और मेनी वन को चेक करने का तरीका ही देख रहे सर, है ना। ठीक है सर, कैसे वन वन और मेनी वन को चेक करना है। तो जैसे आपको कोई सा फंक्शन गिवन होगा, यहाँ पर वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, आपको फंक्शन कोई सा यहाँ पर कुछ ऐसा गिवन होगा। ठीक है सर, तो जैसे समझना है ना, ये टाइप टू को ही पढ़ा रहे हम कर क्या रहे, डायरेक्ट हम कर क्या रहे, किस पे काम कर रहे हैं, हम मैपिंग पे काम कर रहे हैं। हमने डोमेन पे काम कर लिया, रेंज पे काम कर लिया, सब काम कर लिया। अब हम किस पे काम कर रहे हैं, मैपिंग के, कि मैप कैसे हो रहा है, कि दो जोन एक जगह मैप हो रहे हैं, कि हर एक जोन सिंगल सिंगल मैप हो रहा है, उस पे उसमें हमारा इंटरेस्ट है, अब मैप में हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है सर, तो जैसे तो मैप का टाइप 1 कंप्लीट करते थे ग्राफिकली। अब टाइप 2 में क्या है, जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि यहां पर कुछ ऐसा x1 x2 x3 है, और यहां पर y1 y2 y3 है। समझ लेना टाइप 2, समझना। 5-10 मिनट तो पेशेंस रखना, एकदम से मैं लिख दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, 5-10 मिनट वही देखोगे तो पक्का फील आएगा। तो टाइप 2 में क्या, जैसे मैंने ऐसा किया कि f(x1) बराबर f(x2) सॉल्व किया, क्या ये क्या किया मैंने, कि x1 और x2 दोनों पर वैल्यू क्या आ रही, सेम। x1 और x2 दोनों पर वैल्यू क्या आ रही है, सेम। जैसे मान लो ये वैल्यू आ रही है y1, x1 पर भी वैल्यू क्या आ रही है, सेम, और x2 पर भी वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो मैंने क्या बोला कि x1 और x2 पर वैल्यू क्या आ रही है, सेम। और मैंने बोल दिया कि f11 है, क्या बोल दिया मैंने, और मैंने साइड में लिख दिया कि f आपका 11 है, क्या बोल दिया मैंने, f is 11। अगर f11 है आपका, एफ कैसा है, एफ एफ अगर आपका 1-1 है तो क्या होगा, एफ आपका 1-1 है, एफ एफ एक्स 1-1 है, मतलब क्या आएगा, हर एक एक्स पर हर एक एक्स कैसा कनेक्ट होगा, अगर एफ 1-1 है तो x1 x2, समझना काम की बात, थोड़ा टाइम देना है ना यार प्लीज, डायरेक्ट मुंह उठा के मत बोल देना हर कुछ चालू कर दिया करके, ये x1 ये x2 ये ऐसा कुछ कनेक्ट हुआ। और मैंने बोल दिया कि f11 फंक्शन है तो ऐसा कनेक्ट होगा, पर यहां पर क्या रहा, वन वन फंक्शन है, मतलब x1 और x2 दोनों पर वैल्यू क्या आ रही, सेम। मतलब इसके हिसाब से क्या आ रहा है, अगर इसके हिसाब से देखो तो x1 और x2 दोनों पर वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, ये तो मेनी वन हो जाएगा। तो अगर वन वन है तो अगर दो एक्स पर वैल्यू सेम आ रही है तो दो एक्स पर वैल्यू सेम आ रही है तो वो तो मेनी वन होता है। तो अगर वन वन होना है तो उसी टाइम पे x1 और x2 को भी क्या होना पड़ेगा, सेम। सर ये क्या बोल दिया आपने, सर ये तो समझ में नहीं आया। हाँ नहीं आएगा, शुरू में नहीं आएगा, थोड़ा तो टाइम दो। क्या बोला, इफ f(x1) इक्वल्स टू f(x2), इफ यू टेक टू डिफरेंट एक्स यू गेट सेम सेम वैल्यूज, इट मीन्स फंक्शन इज वॉट, दो डिफरेंट एक्स के लिए क्या आ रहा, सेम वैल्यू आ रही है, मीन्स क्या हुआ, फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। तो मतलब x1 और x2 एक ही होंगे, मतलब ये x1 x2 अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि अगर अलग अलग हो जाएंगे तो दो एक्स पर क्या मिलेगा, सेम भाई, मतलब ये दोनों को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, किसके लिए, वन वन के लिए, किसके लिए, वन वन के लिए। तो अगर f(x1) बराबर f(x2) आपने सॉल्व किया, f(x1) बराबर क्या, f(x2) आपने सॉल्व किया, समझना, अगर आपने, अब इसको हम सबको हटा दे रहे हैं, अगर आपने f(x1) और f(x2) को सॉल्व किया, अब यहां से समझना क्या कि आपने f(x1) बराबर f(x2) को सॉल्व किया, और अगर आपका x1 बराबर x2 आ गया, मतलब आपने दो अलग अलग x पर वैल्यू निकाली थी, वो बराबर ली थी, तो वो दो x नहीं, वो एक ही x आ गया, तो क्या हो जाएगा, वन वन। और अगर x1 नॉट इक्वल्स टू x2 आ गया, मतलब दो अलग अलग x हैं जो बराबर नहीं है, पर उनकी फंक्शनल वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, मतलब क्या आ जाएगा, मेनी वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मेनी वन आ जाएगा। या ऐसा बोल सकते हो कि अगर x1 इक्वल्स टू x2, x1 की दो वैल्यूज आ गई, अगर x1 x2 के बराबर नहीं आया, यूनिकली बराबर आया तो क्या बोलेंगे, वन वन। और अगर बराबर नहीं आया x1 x2 के, इसका मतलब क्या हुआ, x1 x2 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, कि दो बराबर x नहीं है पर उनकी फंक्शन वैल्यू के आपस में बराबर है, मतलब क्या आ जाएगा, मेनी वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मेनी वन। सर नहीं समझ में आया, सर क्या बोल दिया आपने, सर बिल्कुल समझ में नहीं आया,
इतना दिमाग में रखो कि अब सबसे पहले इससे अपन क्या अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू। तो दो एक्स पर हम दोनों एक्स वन और एक्स टू दोनों को इक्वल कर दिया। यहां से इक्वल करने पर अगर एक्स वन और एक्स टू भी बराबर आ गए, मतलब दो सेम ही, मतलब आपने क्या किया, अगर x1 और x2 बराबर आ गए तो क्या होगा, 1 1 होगा। क्यों होगा, वेट करो, अगर दो x लिए और उन पर वैल्यू बराबर आ गई और वो दो x डिफरेंट है, तो दो अलग अलग x पर क्या आ रहा है, सेम वैल्यू आ रही है, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मान लो तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे कितनी जगह कट करेगा, दो जगह कट करेगा, तो क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा। तो अगर आपने एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू सॉल्व किया और अगर आपका दोनों x बराबर आ रहे हैं, मतलब आपने आपने क्या किया कि एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू नहीं, वो एक ही है, मतलब दोनों बराबर ही है, मतलब ये भी एक्स वन है और एक्स वन ही है, तो दोनों पर वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है इस टाइप से, मतलब ये भी एक्स वन है और एक्स टू दोनों एक ही है। ठीक है सर, दोनों एक ही है, मतलब ये दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि सेट ही होता है, क्या होता है, सेट होता है। तो अगर आपने एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू सॉल्व किया, तो अगर 1-1 होना है तो क्या होना पड़ेगा, x1 और x2 को सेम होना पड़ेगा। अगर x1 और x2 अलग अलग आ गए, इसका मतलब क्या होगा कि दो डिफरेंट x पर सेम वैल्यू आ रही है, तो मेनी वन आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, 1-1 मेनी वन कैसे चेक करोगे, इस वाली मेथड से, एग्जांपल से आएगा भाई, वो 5-10 मिनट दो, मैं एग्जांपल कराऊंगा, पक्का समझ में आएगा। ठीक है सर, अब मैं लेता हूं डायरेक्ट एग्जांपल, इससे आपको समझो कि अगर दो x पर वैल्यू सेम आ रही है, तो अगर 1-1 होना है तो दोनों x को एक ही होना पड़ेगा, अगर दो x अलग अलग हो गए तो क्या हो जाएगा, मिनी वन हो जाएगा, क्योंकि दो डिफरेंट x पर सेम y आ रहा है, तो दो डिफरेंट x, दो अलग अलग x सेम जगह मैप हो रहे, तो क्या आ जाएगा, मिनी वन। और दो डिफरेंट डिफरेंट x अगर वो एक ही x है, तो एक ही तो जगह मैप होंगे। ठीक है सर, तो क्या कहलाएगा, 1-1। ठीक है सर, तो ये टाइप टू था। तो स्टेप वन, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू फाइंड करेंगे, सिंप्लीफाई करके एक्स वन एक्स टू में रिलेशन निकालेंगे, अगर रिलेशन यूनिक आ गया तो क्या आ जाएगा, बराबर आ गया तो 1-1, और अगर बराबर नहीं आया तो क्या होगा, मेनी वन। अब मैं लेता हूं कुछ एग्जांपल्स, उससे पक्का क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, तो अब हम क्या करते हैं, इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स। तो इन एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले मैंने क्या बताया कि स्टेप वन क्या सॉल्व करना है, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू सॉल्व करना है ना। उसके बाद क्या करना है कि सिंप्लीफाई करके x1 x2 में रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन किसमें, x1 एंड x2, मतलब x1 को इन टर्म्स ऑफ किस में लिखना है, x2 में अगर एक यूनिकली लिख पाए तो वी कैन से 1-1, क्योंकि दो अलग अलग x पर सेम y आ रहा है, तो वो अगर दोनों एक सेम ही है तो 1-1 है। और अगर x1 x2 में यूनिकली एक्सप्रेशन नहीं आए, मतलब x1 की दो वैल्यू आ गई, या तो x2 या कुछ ऐसी दो वैल्यू आ गई, या यूनिकली एक्सप्रेशन नहीं आया, मतलब दो वैल्यू आ रही है x1 की दो वैल्यू आ रही है कुछ इन टर्म्स ऑफ x2, तो फिर क्या बोलेंगे, वो मेनी वन होगा। दो वैल्यू आ रही मतलब दोनों x क्या है, मतलब ये तो मान लो x2, अगर दूसरी कुछ और आ गई, मतलब बराबर नहीं है आपस में, मतलब या तो ऐसा बोल दो कि x1 नॉट इक्वल्स टू x2 आ गया, तो क्या आ जाएगा, मेनी वन आ जाएगा। क्या बोलेंगे उसको, मेनी वन। क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट x पर सेम इनकी वैल्यू सेम आ रही, मतलब क्या हो जाएगा, मेनी वन। ठीक है सर, तो मैं एग्जांपल से देखता हूं, जैसे एक नन्ना मुन्ना एग्जांपल, हमने इसके लास्ट क्लास में देखा था कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लाइट चली गई, आई होप आपको दिखता होगा थोड़ा बहुत, या वेट कर लेते। तो y इक्वल्स टू, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक था, ये इसका पैराबोला बनेगा ऐसा, जीरो पर जीरो आएगा, ये बहुत बार बना चुके इसलिए हम डायरेक्ट बना रहे। ठीक है सर, तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो कैसा हो जाएगा, ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन। बट इसको अगर इस वाले टेस्ट टाइप टू से करते हैं तो क्या सीखा है, सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ एक्स वन बराबर क्या आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स टू करेंगे। ठीक है सर, तो यह कौन है हमारा, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, समझना आराम से, आसान टाइप है, एफ ऑफ एक्स है ये, तो एफ ऑफ एक्स वन कौन आएगा, अगर एफ ऑफ एक्स ही है तो एफ ऑफ एक्स वन कौन आएगा, एक्स वन स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स टू कौन आएगा, एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स टू, तो एक्स टू स्क्वायर, इसको इधर खींच लिया, सो एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, जीरो। तो यहां से एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू आ गया। ठीक है सर, x1 वन माइनस एक्स टू इक्वल्स टू कितना आ गया, जीरो। तो यहां से x1 बराबर क्या आ रहा है, माइनस एक्स टू, और यहां से x1 बराबर क्या आ रहा है, x2 आ रहा है। तो सर यहां से तो बराबर आ रहा है, पर यहां पर क्या आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, x1 x2 आपस में बराबर नहीं है, तो क्या आ जाएगा, x1 x2 आपस बराबर नहीं है, मतलब ये फंक्शन कैसा आ जाएगा, मेनी वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेनी वन। अगर ये सिंगल आंसर होता, ये सिंगल यही होता, यही सॉल्व करने पर बचता, तो फिर क्या बोल सकते थे कि कैसा आएगा, 1-1।
जैसे एग्जांपल लेता हूं किसी में, इनको करेंगे, बहुत बेसिक एग्जांपल है। क्या किया बेटा हमने, सबसे पहले क्या किया, एफ ऑफ एक्स वन बराबर क्या किया, एफ ऑफ एक्स टू सॉल्व किया, वहां से एक्स वन एक्स टू में रिलेशन निकाला, तो एक बार एक्स वन बराबर माइनस एक्स टू आया, जो कि आपस में बराबर नहीं है, हमें एक्स वन बराबर एक्स टू आना चाहिए, तो एक्स वन बराबर क्या आ रहा, माइनस एक्स टू आ रहा, ये ऐसे भी समझ लो कि एक्स वन की दो दो वैल्यू आ रही है, तो एक बराबर नहीं है, तो ये कैसा आ रहा है, बराबर नहीं आया, तो दो डिफरेंट एक्स पर क्या मिल रहा है, सेम वाई आ रहा है, मतलब x1 और उसके नेगेटिव पर वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो सही बात भी है, 2 और माइनस टू पर वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो दो डिफरेंट x पर सेम आ रहा है, तो कैसा होगा, मेन इवन, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, कैसे भी समझ लो, पर समझ लो, ठीक है सर। सर ये कब यूज करेंगे, जब हम टाइप 1 में फेल हो जाएंगे, ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो यूज करेंगे, ठीक है सर। तो जैसे अगर सिंपल स्ट्रेट लाइन होती, सो y इक्वल्स टू मान लो होती x प्लस 1, तो सिंपल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है, ये आपने स्ट्रेट लाइन बनाया ऐसा, ये ग्राफ इसका आएगा, क्योंकि जीरो पर क्या देगा, वन, और माइनस वन पर क्या देगा, जीरो, तो ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो लाइन मिल जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा, ये भर भर के वन वन आएगा। मेथड टू क्या होगी, जो हमारी अभी हमने सिखाई, कि क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, सो एक्स वन कौन आएगा यहाँ से, एक्स वन प्लस वन बराबर एक्स टू प्लस वन, वन से वन क्या हो गया, कैंसिल, तो एक्स वन बराबर क्या आया, एक्स टू, एक ही तो यही आया, तो ये बराबर आ गया, हेंस एक एक एक्स पर बराबर ही आ रहा है, तो ये किसकी कंडीशन थी, वन वन की थी, बता चुके हैं हम, तो ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है सर। तो ये तो बहुत लल्लू एग्जांपल थे, ये भी आसान है पर आपको कुछ सिखाएंगे, ठीक है सर। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, पहले आप खुद से चेक करो इसको, ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई करें। तो क्वेश्चन क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू बी, हम यहां लिख दे रहे, एफ एक्स इक्वल्स टू बी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, आई थिंक करेक्ट, ठीक है सर। तो इसके में क्या फाइंड, क्या चेक करना है, वन वन और मेनी वन, तो इसका ग्राफ बनाना फिलहाल में मुश्किल है, ठीक है, तो कौन सी मेथड पे जाएंगे, टाइप टू पे। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा मैं, सबसे पहले कैलकुलेट यहां पर करूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वन तो कितना आएगा यहां से, x1 अपॉन वन प्लस एक्स वन स्क्वायर बराबर x2 अपॉन वन प्लस एक्स टू स्क्वायर, ठीक है सर। अब क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यहाँ से कौन आएगा, x1 प्लस एक्स वन एक्स टू स्क्वायर, और यहाँ पर करूँगा कितना आएगा, x2 प्लस एक्स वन स्क्वायर एक्स टू, ठीक है सर। क्या किया मैंने, सबसे पहली स्टेप क्या सिखाई हमने, हम बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं मैपिंग, अच्छे समझना आपको, और इतना समझने के बाद बिल्कुल बन जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है सर। दो तीन लेक्चर बहुत होते हैं मैपिंग पे, वन वन मेनी वन पे ही। सो एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू किया, यहाँ पर ये सॉल्व किया, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक्स वन एक्स टू में रिलेशन। तो आपको सॉल्व भी थोड़ा है ना ध्यान रख के करना है, कि आपको एक्स वन माइनस एक्स टू का फैक्टर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसको यहाँ पर इधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या मिला, एक्स वन माइनस एक्स टू, हमेशा ऐसे ही सोचना है। सो एक्स वन एक्स टू स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट किया तो कौन आएगा, एक्स वन स्क्वायर एक्स टू, इधर दोनों आ गए तो क्या बचा, जीरो। तो देखो बच्चों, x1 वन माइनस एक्स टू प्लस, यहाँ पर कौन कॉमन आ रहा है, x2, x1 दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ से कौन x1 कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ से, अकेला x2, और यहाँ से क्या बचेगा, अकेला x1, वन इक्वल्स टू क्या बचा, जीरो। तो अगली स्टेप में इसको पलटा ही लिख के लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो यहीं पर लिख देता हूँ मैं, तो x1 वन माइनस एक्स टू, माइनस कॉमन लिया तो x1, x2, और यहाँ पर क्या बचेगा, x1 वन माइनस एक्स टू इक्वल टू जीरो, ये दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो क्या मिला यहाँ से, कि x1 वन माइनस एक्स टू ब्रैकेट में क्या मिला, बोलो बोलो ब्रैकेट में क्या मिला, वन माइनस एक्स वन एक्स टू इक्वल्स टू कितना बचा, जीरो। सो एक बार ये ब्रैकेट जीरो करेंगे तो एक्स वन माइनस एक्स टू कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ से तो बराबर आ रहा है, तो अगर ये सिंगल यही आता आंसर तो हो जाता, बट एक और बला आ रही है कि वन माइनस एक्स वन एक्स टू इक्वल्स टू जीरो, मतलब एक्स टू इक्वल्स टू कितना आ रहा है, एक्स वन एक्स टू इक्वल्स टू कितना आ रहा है, वन। सो एक्स इक्वल्स टू क्या है, वन बाई एक्स वन, तो बराबर नहीं आए, तो रेसिप्रोकल में आ गया, हेंस कैसा होगा, मेनी वन, क्योंकि दो अलग अलग x1 x2 बराबर नहीं है, तो कैसा आएगा, मेनी वन आएगा, ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन मतलब आप वन टू रखोगे और वन बाई टू रखोगे तो दोनों पर आई थिंक वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है सर। तो ये क्या आएगा, ये इसलिए फंक्शन कैसा, मेनी वन, ये ऐसे समझ लो कि x1 x2 बराबर नहीं आया, x2 उसके रेसिप्रोकल के बराबर आया, पर आपने तो दोनों को बराबर लिया था, तो अगर ये भी बराबर आ जाते तो क्या हो जाता, ये कि क्या हो जाता है, वन वन हो जाता, पर इस केस में इसलिए क्या आ रहा है, मेनी वन, ठीक है सर। तो मैंने लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, बहुत सड़ी मेथड है भाई, मतलब बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है सर। ये क्यों, ये आपको समझना है, रट्टा ही मारना है कि इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, नहीं, दो डिफरेंट डिफरेंट एक्स पर सेम
वाई है ये, एफ मतलब वाई समझो इसको, दोनों पर एफ ऑफ पर सेम वैल्यू आ रही है मतलब कैसा है मेन ही वन, और दो सेम पर अगर ये बराबर आ रहे मतलब क्या है वो एक ही है, तो एक ही जगह में एफ होगा तो वन वन होगा। ठीक है सर, अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर से, तो बर्बाद सवाल है। ठीक है सर, ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ सर, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है यार ये हमको नहीं करना चाहिए, इसको लिखना ही नहीं चाहिए ना ये तो क्या करेंगे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, ये तो वही सवाल हो गया एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, ये सेल्फ करें ना मेनी वन आएगा, सेल्फ करें ये मतलब खुद से करें, उसके बाद नहीं आए तो सॉल्यूशन देख लेना, बहुत ही सड़ा सवाल हो गया। ये क्या हो गया आपस में कैंसिल, सेम आया तो एक्स वन बराबर कितना आएगा प्लस माइनस एक्स टू आ जाएगा, तो बराबर नहीं आ रहा इसलिए क्या आ रहा मेनी वन, सेम इसके पहले ही तो जस्ट गया था दो मिनट पहले। ठीक है सर, इसलिए क्या आ रहा मेनी वन। खैर अब अगला क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सब आसान है भाई, सब आसान है, सब आसान सवाल है, आपको आना चाहिए बस, समझ में आना चाहिए तो सब आसान है, मैथमेटिक्स बहुत आसान है भाई, वो फंक्शन का मार्केट बोलते फंक्शन बहुत टफ है, नहीं लेंदी थोड़ा है पर है आसान, अगर प्रैक्टिस करते चलेंगे ना तो बिल्कुल बनेगा। दिक्कत क्या होती है कि अपन बहुत पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस करते ही नहीं है तो फिर गायब हो जाता है, वहाँ दिक्कत होती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फंक्शन आ गया तो कैलकुलस बहुत फील होता है, फिर मज़ा आता है। ठीक है सर, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड के लिए क्या है भाई एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करते सॉल्व, तो एफ ऑफ एक्स वन मतलब कितना आएगा जरा बताओ क्या आएगा, 3x1 माइनस 4 अपॉन एक्स वन स्क्वायर प्लस 1, इधर कितना आएगा 3x2 माइनस 4 अपॉन एक्स टू स्क्वायर प्लस 1, क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 3x1 इंटू 1 प्लस एक्स टू स्क्वायर, इधर कितना आएगा 1 प्लस एक्स वन स्क्वायर इंटू कितना आएगा 3x2 माइनस 4, करते हैं मल्टीप्लाई, वही मल्टीप्लाई बहुत इक्विनान से करना है, 3x1 इंटू 1 3x1 प्लस 3x1 x2 स्क्वायर, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा। ठीक है सर, कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि नहीं बहुत ज़्यादा त्रुटि है, क्या त्रुटि है यहाँ 3x1 माइनस 4 है, 3x1 माइनस 4 है। ठीक है सर, तो 3x1 का दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस 4 का होगा कितना आएगा यहाँ से माइनस 4 माइनस 4 x2 स्क्वायर। ठीक है सर, और यहाँ पर कितना आएगा 3x2 माइनस 4 प्लस कितना आएगा 3x2 x1 स्क्वायर माइनस 4 x1 स्क्वायर, बस मल्टीप्लाई किया बच्चों वाला। ठीक है सर, तो ये 3x1 और 3x2 इसको इधर शिफ्ट किया तो 3x1 माइनस 3x2 आ गया। ठीक है सर, ये दोनों पे अंडरलाइन है मतलब ये काउंट कर लिए, माइनस 4 से माइनस 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, अब इसको लेते ध्यान से, तो ये कितना आएगा 3x1 x2 स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करेंगे कितना आएगा माइनस 3x2 x1 स्क्वायर, फिर देन माइनस 4x2 स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस 4x1 स्क्वायर, इधर क्या बचेगा जीरो, सब मैं कॉमन लेते फटाफट, तो 3 कॉमन लिया क्या बचा x1 माइनस x2 प्लस, थोड़ा लेंदी है यार ये वाला टाइप, मैं बहुत रेयर यूज़ करूँगा मैं बता दूंगा, ये बहुत लेंदी मेथड है ना, ये बहुत लेंदी मेथड है, हम हमेशा ग्राफ से जाएंगे और जो टाइप 3 पढ़ेंगे उस पे जाएंगे, या एक और अप्रोच आएगी हिट एंड ट्रायल उससे भी जाएंगे। ठीक है सर, तो क्या लेंगे यहाँ से कॉमन कितना आएगा 3x1 x2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में x2 माइनस x1 बचेगा, पर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको यहाँ लिख दिया तो माइनस ऑफ कितना आ जाएगा x1 माइनस x2। ठीक है, क्या किया मैंने वही 3x1 x2 कॉमन लेके माइनस कॉमन लिया तो ये बचा, माइनस 4 कॉमन लिया तो 4 कॉमन लिया, या प्लस 4 यहाँ से कॉमन लो तो प्लस 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बचा जीरो, तो ध्यान से रखेंगे तो x1 माइनस x2 तो क्या आ गया कॉमन आ गया, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 माइनस 3x1 x2 और प्लस 4 टाइम्स ऑफ, ये क्या लिखा है x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, x1 माइनस x2 तो कॉमन ले लिया प्लस क्या बचेगा x1 प्लस x2, सो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू कितना बचा जीरो, तो अल्टीमेटली थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते कितना बचेगा यहाँ से, ये तो एक तो ये जीरो होगा तो x1 बराबर x2 आ रहा है, और क्या आएगा यहाँ से अगले स्टेप में क्या आएगा मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कितना बचेगा थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x1 प्लस 4x2 माइनस सॉरी प्लस 3 माइनस 3x1 x2 इक्वल्स टू जीरो, और एक तो क्या आ गया हमारा x1 इक्वल्स टू कितना आ गया x2। ठीक है सर, तो यहाँ से अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने में ना जब भी आप एक तो कॉमन निकालोगे हमेशा निकलेगा, जब भी इस टाइप का आएगा ये तो पक्का निकलेगा, बट इस टाइप की इक्वेशन को आगे कभी कभी, तो जैसे लास्ट दो सवाल में क्या किया हमने, लास्ट दो सवाल में तो सिंप्लीफाई हो गया यहाँ से x1 x2 में रिलेशन आ गया, 1 अपॉन रेसिप्रोकल वाला आया था ना x1 x2 इक्वल्स टू, या आई थिंक x1 इक्वल्स टू 1 अपॉन x2 तो आ गया था,
बट अगर ऐसा फंस जाए तो आप एक्स वन एक्स टू डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, तो आप मन से कोई सी भी एक एक्स वन की वैल्यू ले लो, मन से भी कोई सी एक्स वन की वैल्यू ले लो। तो मैंने सपोज एक्स वन कितना ले लिया, कोई सा भी एक मन से रेंडमली नंबर ले लिया मैंने वन, तो एक्स वन अगर वन ले लिया तो कितना बचेगा, फोर प्लस फोर एक्स टू प्लस थ्री माइनस एक्स टू इक्वल्स टू कितना बचा, जीरो। एक्स वन की जगह वन सब्सटीट्यूट कर दिया, सर क्यों किया समझ में आएगा मैंने क्या बोला। इतना करने के बाद अगर यहां से सॉल्व करके x1 x2 नहीं आ रहा है तो ये करना है, अगर आ रहा है फिर तो बढ़िया है। जैसे लास्ट वाले दो सवाल में एक में क्या आया था, x2 इक्वल्स टू माइनस x1 आया था अगर आपने ध्यान दिया है, और एक में कुछ रेसिप्रोकल आया था। अब इसमें कॉमन निकालने बैठो, आप निकालने बैठो पागल हो जाओगे, नहीं निकलेगा। तो फिर क्या करेंगे, एक्स वन की वैल्यू मन से कोई सी भी एक रैंडम ले लेंगे, तो कितना बचेगा ऐसे, फोर फोर एक्स टू प्लस थ्री माइनस एक्स वन कितना बचेगा यहाँ से, ये कितना आएगा फाइव एक्स टू प्लस कितना आएगा सेवन इक्वल्स टू कितना आएगा जीरो। तो यहाँ से कितना बचेगा, एक्स टू कितना मिलेगा माइनस सेवन बाई फाइव, मतलब एक्स वन वन है तो एक्स टू कितना आया माइनस सेवन बाई फाइव, मतलब दोनों क्या आ गए अनइक्वल आ गए, एक्स वन एक्स टू बराबर नहीं आए, एक्स वन एक्स टू बराबर नहीं आए, मतलब कैसा आ गया ये, कैसा आ गया ये कैसा आ गया मेनी वन, हेंस कैसा हो गया मेनी वन। अगर बराबर आ जाते तो फिर कैसा हो जाता, वन वन हो जाता, ठीक है सर। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको कैसे डील करना है, सबसे पहले आपको एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू को सिंप्लीफाई करना है, देन फिर आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद ये तो पक्का कॉमन आएगा ही, जो दूसरा फैक्टर आएगा उसमें भी अगर एक्स वन बराबर एक्स टू आ रहा है तो वन वन होगा, और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो क्या आएगा, मेनी वन होगा। कभी जैसे x1 बराबर माइनस x2 आया था, रेसिप्रोकल आया था, और कभी इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर सॉल्व करना मुश्किल हो, वहाँ पर एक मन से x की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे और फिर x1 की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, वहाँ से कौन निकालेंगे x2, अगर x2 डिफरेंट आ रहा है मतलब दो x1 x2 बराबर आपस में नहीं आ रहे हैं, ठीक है सर। इसका मतलब क्या हो, फंक्शन कैसा होगा, मेनी वन। तो मैं उम्मीद करता हूँगा कि आपको ये वाला टाइप समझ में आ गया होगा। तो अब हम जाते हैं टाइप थ्री की ओर, टाइप थ्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत एक मिनान से करेंगे अभी, उसको टाइप थ्री को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करेंगे और हल्का फुल्का कुछ पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट किस में नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर खूब एग्जांपल्स होंगे कि वन वन ऑन टू को नेक्स्ट जो टाइप थ्री पढ़ने वाले उसकी मदद से कैसे करना है, ठीक है सर। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ टाइप थ्री। हाँ सर, तो अब हम क्या स्टार्ट करें, टाइप थ्री। तो टाइप थ्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टाइप थ्री है, उसका नेम है। सो टाइप वन ग्राफिकली या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, सेकंड क्या होगा फंक्शनल वैल्यू टेस्ट बोल सकते हो, ऐसा कोई नाम नहीं किताब में कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू टेस्ट बोल दो, कुछ भी नाम रख दो, ठीक है सर। टाइप थ्री क्या होगा हमारा, जैसे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की मदद से क्या बताना, वन वन एंड मेनी वन। अगर कोई सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, समझना है ना, समझना, हल्की सी थ्योरी बताऊंगा मैं 5-10 मिनट की, कुछ एक दो एग्जांपल बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जांपल भरपूर करेंगे, ठीक है सर। जैसे हमारा ये फंक्शन कैसा आ गया, ये फंक्शन कैसा आ गया हमारा, इंक्रीजिंग आ गया। आपने कुछ खुरापात लगा के ये प्रूफ कर दे कि फंक्शन कैसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऐसा इंक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, इस बात का मतलब क्या हो, कभी ग्राफ टर्न होगा क्या, ऐसा घूमेगा क्या, नहीं, इंक्रीजिंग है थ्रू आउट डोमेन, मतलब पूरी डोमेन में इंक्रीजिंग है, जो भी गिवन डोमेन है। तो इस डोमेन में अगर मान लो ऐसा इंक्रीजिंग है, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो कितने का कट करेगी, एक जगह। अगर डिक्रीजिंग आ गया तब भी आप क्या ड्रॉ करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, वो भी कितनी जगह कट होगी, एक जगह। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने ये शो कर दिया कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, आपने ये शो कर दिया कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब आप जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो कितनी जगह कट होगी, एक जगह। और एक जगह कट करना मतलब क्या होता है, क्या होता है, वन वन। और अगर आपने डिक्रीजिंग शो कर लिया तब भी क्या होगा, बिल्कुल ऐसे, अब ऐसे थोड़ा ना जाएगा डिक्रीजिंग और फिर यूं, ये क्या है, ये तो बकवास हो गया, डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग, नहीं 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 नहीं, डिक्रीजिंग अगर हो गया स्ट्रिक्टली ये शो कर दिया कि डिक्रीजिंग है, इस बात का मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब क्या होगा, अगर आपने डिक्रीजिंग शो कर दिया, इस बात का मतलब क्या हुआ कि आपने जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो कितनी जगह कट होगी, वो एक जगह कट होगी। और जब एक जगह कट होगी इसका मतलब क्या होगा, वो कैसा फंक्शन होगा, वन वन होगा, कैसा फंक्शन होगा, वन वन, मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर ये शो हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन कैसा होगा, वन वन होगा, कैसा होगा, वन वन होगा। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करते आना चाहिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हम फिर बोल रहे हैं ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम कहाँ पढ़ाएंगे, आपको कहाँ पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। बट आपने अगर रेंज अच्छे से फॉलो किया है तो मैंने रेंज यूजिंग मोनोटोनिसिटी पढ़ाया था, वहां पर मैंने सिखाया था कि अगर dy by dx अगर किसी का आपने निकाला और पॉजिटिव आ गया, जीरो है जीरो से बड़ा आ गया, तो मतलब फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। और dy by dx अगर जीरो है जीरो से छोटा आ गया, मतलब फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। इसमें भी थोड़े पेच है, जैसे
समझना ना, काम की बात समझना, बस थ्योरी समझा रहा हूँ मैं आज, कल भी हल्का सा रिकैप करूंगा ताकि आपको ये टाइप फील हो जाएगा, ये एकदम से दिमाग में नहीं घुसता है, इसलिए इसको मैं दो दो लेक्चर लूंगा, आज मैं हल्का सा पढ़ूंगा और कल इसको ज्यादा लूंगा, ठीक है सर। तो डीवा बाई डिक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ गया तो क्या होगा, मैं इंक्रीजिंग, और लेस देन इक्वल्स टू जीरो आ गया तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। जैसे आपने कोई सा फंक्शन गिवन है आपको, समझना है ना काम की बात, जैसे कोई सा फंक्शन गिवन है आपको, एफ एक्स कोई सा फंक्शन गिवन है, से कुछ भी दे दिया, मान लो x की पावर 4 प्लस कुछ भी मान लो एक्स क्यूब, हाँ ये x की पावर 4 प्लस 4x ये लिखाओ, ठीक है सर। तो इस टाइप का फंक्शन आ गया, या ऐसा मान लो यार, ठीक है कुछ भी, कोई सा कुछ भी पॉलीनोमियल दे दिया और आपने उसका डेरिवेटिव निकाला, है ना, फंक्शन ले नहीं पा रहे उस, आपने उसका क्या निकाला, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव निकालने के बाद डेरिवेटिव को जीरो के बराबर कर दिया, तो मान लो दो जगह डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, अल्फा पर भी जीरो आ रहा है और बीटा पर भी जीरो आ रहा है, तो दो वैल्यू पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, दो वैल्यू पर डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है, तो दो वैल्यू पर डेरिवेटिव जीरो, डेरिवेटिव जीरो आना मतलब ग्राफ ऐसा है, यहां पर इस पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, इस पॉइंट पर डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। मान लो दो डिस्टिंक्ट जगह पर डेरिवेटिव क्या आ गया, जीरो, या तीन जगह जीरो आ गया, तो फिर ऐसा ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ आपकी शक्ल ऐसे कुछ बनेगी, समझना, एग्जांपल से कराऊंगा पर थोड़ा समझना। तो जैसे मान लो यहां पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, मतलब यहां डेरिवेटिव जीरो मतलब इसके पहले क्या आ रहा होगा, इंक्रीजिंग, फिर क्या आ रहा होगा, डिक्रीजिंग, यहां पर भी डेरिवेटिव जीरो आ रहा है मतलब इसके पहले क्या आएगा, डिक्रीजिंग, यहां पर क्या आएगा, इंक्रीजिंग, तो ग्राफ ऐसा कुछ टर्न होगा अगर डेरिवेटिव जीरो आएगा, और जहां टर्न होगा मतलब कितनी जगह कट कर जाएगा, दो जगह कट कर जाएगा, यहां भी टर्न होगा मतलब कितनी जगह कट कर जाएगा, दो जगह, और जब भी दो जगह कट होगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन कैसा होगा, मेन इवन होगा, कैसा होगा फंक्शन, मेन इवन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पॉलीनोमियल गिवन हो और आपने डेरिवेटिव निकाला और डेरिवेटिव एक जगह जीरो आ जाए, इस पर भी मैं बताऊंगा, अगर दो या दो से ज्यादा जगह डेरिवेटिव जीरो आ जाए मतलब आप, या फिर ऐसा जहां ये पॉइंट ऑफ लोकल पॉइंट ऑफ ये नहीं बताते, अगर डेरिवेटिव जीरो आ गया तो शक्ल ऐसी बनती है, हमें बताया था ना, जैसे आपने वाई इक्वल्स टू कुछ भी क्वाड्रेटिक मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अभी इसका ग्राफ बनाया था सुबह इसी में, मतलब इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में, तो ये ग्राफ इसका ऐसा बना था, तो ये यहां पर क्या रहा था, डेरिवेटिव जीरो आ रहा था, डेरिवेटिव जीरो आना मतलब क्या शो करता है, ये वाला वर्टेक्स क्या था पता आपको, माइनस बी बाई टू ए कॉम माइनस डी बाई फोर ए, ये ग्राफ इसका ऐसा बना था, और ये कैसा फंक्शन था याद करो, मैं नहीं बनता, इसका डेरिवेटिव जीरो किया, तो डेरिवेटिव जीरो किया कितना आएगा, टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, सो टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, मतलब एक्स कितना आएगा, माइनस वन बाई टू, सो माइनस वन बाई टू पर डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपका, जीरो आ रहा है, मतलब ग्राफ यहां पर टर्न होगा, जब भी ग्राफ टर्न होगा तो ग्राफ कितनी जगह कट करेगा, दो जगह कट करेगा, और दो जगह कट करेगा मतलब कैसा होगा, मेनी वन होगा, कैसा होगा, मेनी वन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेरिवेटिव जीरो हुआ, चाहे यहां पर से क्या पता चल रहा है, यहां पर कितनी जगह डेरिवेटिव जीरो हो रहा है इसका, एक जगह। सर नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम्पल से हम बताएंगे तब पक्का समझ में आएगा। अगर डेरिवेटिव जीरो हुआ तो अगर वो वाला पॉइंट डेरिवेटिव जीरो हुआ मतलब क्या हो सकता है, ग्राफ ऐसा टर्न होगा, और ऐसा टर्न होगा मतलब कितने जगह कट होगा, दो जगह कट होगा, मतलब फंक्शन कैसा आ जाएगा, फंक्शन कैसा आ जाएगा, मेनीवन आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, मेनीवन हो जाएगा। बस सुन के रख लो, इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव, डिक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव, और यहां पर डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। मतलब अगर ऐसा मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा तो मतलब कैसा फंक्शन होगा, डेरिवेटिव जीरो आ रहा मतलब फंक्शन कैसा होगा, मेनी वन होगा, कैसा होगा, मेनी वन होगा। सर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं एग्जांपल से बहुत अच्छे से फील करा दूंगा, बस ऐसा कुछ जो पढ़ाया, कुछ 5-10 मिनट जो भी समझाया उसको ध्यान में रखो कि सर ने ऐसा कुछ बोला है, बस सुन के रखो, सुन के रखो, मत समझो भैया पर सुन के रखो बस, ठीक है सर। अब एक और काम की बात, वन वन मेनी वन चेक करने के लिए ये इसी में हम बता दे रहे, जैसे मान लो है ना, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे मैं आऊंगा कराऊंगा, ठीक है सर। जैसे मान लो कोई सा पॉलीनोमियल आ गया पी एक्स इक्वल्स टू बी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ऐसे कुछ फैक्टर आ गए, अगर इस टाइप का पॉलीनोमियल आ गया जिसके फैक्टर फाइंड हो जाए, इसका मतलब क्या, वन रखा तो कितना आंसर देगा, जीरो, टू पर भी कितना आंसर देगा, जीरो, थ्री पर भी कितना आंसर देगा, जीरो। इस बात का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग एक्स पर वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, मतलब कैसा हो जाएगा, मेनी वन, मतलब श्योर बोल देना तुरंत, अगर फैक्टर वाला पॉलीनोमियल हो जाए तो क्या बोल दोगे, मेनी वन, क्या बोल दोगे, मेनी वन। कब, जब पॉलीनोमियल कैसा आ जाए, फैक्टर वाला पॉलीनोमियल आ जाए, अगर पॉलीनोमियल के फैक्टर निकाल पा रहे हो तो श्योर शुद्ध क्या बोल दोगे कि फंक्शन कैसा आ जाएगा, मेनी वन आ जाएगा। क्यों मेनी वन आ जाएगा, क्योंकि अगर फैक्टर आ रहे मतलब वन पर भी क्या दे रहा है, जीरो,
वन भी किससे मैप होगा जीरो से, टू भी किससे मैप होगा जीरो से, थ्री भी किससे मैप होगा जीरो से, ठीक है सर। तो अगर फैक्टर वाला भी आ जाए तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, वहां से भी क्या बोल देंगे कि फंक्शन कैसा होगा मिनिमल। अब मैं वापस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे ये बताना चाह रहा हूं कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया तो फंक्शन कैसा होगा, वन वन होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया तब भी फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा। और डेरिवेटिव जीरो आ रहा है और उसके आसपास वैल्यू भी अगर रख रहे हैं, जैसे मान लो टू पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है और उसके आसपास वैल्यू रख रहे हो, मतलब क्या आ रहा है, या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या तो यहाँ डेरिवेटिव जीरो है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, दो में से एक शक्ल बनेगी। तो दोनों केस में फंक्शन कैसा आ जाएगा, या तो फंक्शन कैसा आ जाएगा, मेनी वन आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, मेनी वन। सर ये नहीं समझ में आया, नहीं आएगा, शांति रखो, एग्जाम्पल करा रहे हैं हम, बस मैंने जानबूझ के इतनी बार बोल दिया कि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, ठीक है सर। अब मैं इसके ऊपर क्या लेता हूँ, एग्जाम्पल, ताकि आपको फील आ जाए। हाँ सर, तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ऊपर मैं अभी केवल आज के लेक्चर में केवल दो एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा बहुत आराम से, फिर इसको आपने अच्छे से नोट करके रखना, समझना, और फिर अगले लेक्चर में इसके ऊपर फुल इसके ऊपर ही होगा, कम से कम इस पर बहुत सवाल करेंगे। और अगले लेक्चर में जो हमने तीन टाइप पढ़ लिए अभी तक, ये हमारा टाइप थ्री है, उस पर हम मिक्स सवाल करेंगे। मतलब तीसरे लेक्चर में आपका वन वन मिनी वन में आपका बिल्कुल कंटेस्ट हो जाएगा कि कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे डील करना है। अगली क्लास में मैं और अच्छे क्वेश्चन भी करूँगा, ठीक है सर। तो अब मैं करवाता हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो एफ एक्स आ गया, तो एफ एक्स इक्वल्स टू भी एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है सर। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करके कितना आएगा, वन प्लस ई की पावर एक्स। हमें पता है कि ई की पावर एक्स एक्सट्रिकली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जीरो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या होती है, जीरो से बड़ी। दोनों साइड वन ऐड कर दिया तो वन प्लस ई की पावर एक्स क्या आएगा, वन से बड़ा। मतलब ये नंबर किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है। अरे वन से बड़ा है, जीरो से क्या, मतलब पॉजिटिव है। मतलब एफ डेस एक्स कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब इसका जो भी ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। और इंक्रीजिंग बनेगा मतलब कैसा फंक्शन आ गया, ये वन वन आ गया। क्या आ गया, वन वन आ गया। एक काम की बात दिमाग में रखना, क्या इसका डेरिवेटिव जीरो आया, क्या नहीं आया। डेरिवेटिव जीरो आता तो फिर सोचते, फिर उसको कैसे करते वो मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कैसे कैसे सोचना है। तो ये वाला फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज आया, मतलब फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन कैसा आ जाएगा आपका, वन वन आ जाएगा, ठीक है सर। तो अब मैं लेता हूं एग्जांपल नंबर टू, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर टू क्या है, जिसे एफ एक्स इक्वल टू भी टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17, ठीक है सर। तो एक तरीका तो क्या, इसके फैक्टर निकाल लो। अगर इसके फैक्टर निकल जाए, अगर इसके फैक्टर निकल गए मतलब क्या है, इनपुट पर क्या आएगा, तीन इनपुट पर क्या आएंगे, सेम जीरो आएंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था लास्ट, तो मेनी वन बोल देंगे। तो फैक्टर निकालना कभी कभी क्या हो जाएगा, आसान हो कभी कभी टफ होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाली मेथड से ही कर रहा हूं। तो एफ डेस एक्स कितना आएगा, जरा बोलना यहां से, एफ डेस एक्स कितना आएगा, आएगा ये 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18, ठीक है सर। अब यहां से कितना आएगा सर, 6 कॉमन ले सकते, बिल्कुल कॉमन ले सकते, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है सर। तो इसके फैक्टर निकल आएंगे, कहाँ निकल आएंगे, कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3, ठीक है सर। तो यहां से 6 कॉमन ले, कितना आएगा, x इंटू x माइनस 3। समझना यार, है ना, थोड़ा पेशेंस से समझना कैसे मैं कर क्या रहा हूँ, थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा आपको, है ना। डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, भगवान थोड़ा ना आके तुम ना, हम भगवान है कि आपको एक बार में बिल्कुल कंठस्थ करा देंगे, पर ये पेशेंस पक्का फिर छूटेगा नहीं सवाल, इस बात की गारंटी। हर एक चीज को आपको कंसेप्ट चली तरीके समझना कि कर क्या रहे हम। तो ये एफ डे सिक्स निकाला, तो एफ डे सिक्स कितनी जगह जीरो आ रहा है, एक तीन पर जीरो आ रहा है और एक पर किस पर जीरो आ रहा है, माइनस वन पर जीरो आ रहा है। मतलब जब भी इस क्यूबिक पॉलीनोमियल जो भी ग्राफ है, सॉरी ये क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या था, एफ एक्स इक्वल्स टू भी टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस कितना था ये 17, जो भी था कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा। ये ग्राफ था, ये हमारा एफ एक्स था, ये उसका क्या है, डेरिवेटिव। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो तीन और माइनस एक पर डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। तीन और माइनस एक पर डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। तो जीरो पर क्या वैल्यू आ रही है इस क्वेश्चन की, जीरो पर वैल्यू कितनी आ रही है, 17। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, ग्राफ, समझना ध्यान से। तो ये हमारा एफ डेस एक्स आया, एफ डेस एक्स क्या आया हमारा, इसको भूल जाओगे, तो एफ डेस एक्स क्या आया हमारा, एफ डेस एक्स आया हमारा एक्स माइनस थ्री, सिक्स टाइम्स ऑफ एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन। तो वेविकट मेथड बने इसकी, तीन और माइनस वन एफ डेस एक्स की, सो प्लस माइनस प्लस। तो जब तीन से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो तीन से बड़ी माइनस तीन पॉजिटिव, तीन से बड़ी प्लस वन पॉजिटिव। तो तीन से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव होगा मतलब एफ डे सिक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या बोला मैंने, जब मैं तीन से बड़ी वैल्यू इसमें रखूंगा तो एफ डे सिक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इट मीन्स
ग्राफ कैसा बनेगा? इंक्रीजिंग। कब? जब तीन से बड़ी वैल्यू रखेंगे। मतलब तीन से बड़ी वैल्यू पर ग्राफ क्या आएगा? बढ़ेगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर ये वाली बीच की वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव आ रहा, मतलब ये वाली वैल्यू कैसे आएगी? नेगेटिव। जैसे जीरो रखा तो जीरो रखने पर ये क्या होगा? जीरो माइनस थ्री बचा, जीरो रखने पर क्या होगा? वन हो गया। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव। मतलब ये नेगेटिव आ रहा, मतलब कौन नेगेटिव आ रहा है? एफ डे सिक्स। तो एफ डे सिक्स नेगेटिव आ रहा। और ये क्वेश्चन मैंने रेंज में भी दो बार फंस चुके हैं, दो बार मैंने करवाए क्वेश्चन, नहीं थे मैंने तब भी करवाया, मैंने बोला था एओडी में सीखूंगा, ये चीज भी एओडी में सीखेंगे, पर मैंने बोला था अब ध्यान दो, अगर आपने दो क्वेश्चन को नोट करके रखा होगा ना शुरू से तो आपको दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि यही काम हम कर चुके हैं। आप याद करो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रेंज निकाली थी सेक इनवर्स की, सेक इनवर्स के अंदर कौन था? एक्स क्यूब माइनस थ्री था, तो उसको मैंने ऐसे ही निकाला था, याद करो जरा, वहां डेरिवेटिव कितना आया था? वन और माइनस वन आया था, हमें याद है, ठीक है। तो माइनस वन एंड थ्री तो कितना आ रहा है? इस इंटरवल में डेरिवेटिव क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? डिक्रीजिंग। मतलब माइनस एक से तीन के बीच में ग्राफ कैसा आएगा? डिक्रीजिंग। तीन से बड़े में ग्राफ कैसा आएगा? इंक्रीजिंग। और यहां भी डेरिवेटिव कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये डेरिवेटिव का वेविकट मेथड बना हुआ है, तो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है सर। तो अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो तीन पर कितनी वैल्यू दे रहा है चेक कर ले, तीन पर कितना दे रहा है? तीन पर कितना देगा? तीन पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, फंक्शन वैल्यू कितना देगा वो तो डिपेंड करेगा। तो तीन पर कितना दे रहा है? तीन पर ये दे रहा है आठ इंटू दो सोलह, माइनस तीन रखा तो नौ इंटू चार थर्टी सिक्स, थ्री रखा तो माइनस फिफ्टी फोर प्लस सेवनटीन, तो कितना आएगा अल्टीमेटली? ये जो भी नंबर होगा ये नेगेटिव नंबर होगा, मतलब यहां पर कुछ वैल्यू आएगी, पता नहीं कितना ये ज्यादा नेगेटिव लग रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं नेगेटिव, तो कुछ नेगेटिव नंबर आएगा। पर थ्री के बाद अब तीन से इधर वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, कौन पॉजिटिव आएगा? एफ डे सिक्स, मतलब ग्राफ ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है सर। अब आपने क्या रखा? माइनस वन, तो माइनस वन रखकर कितना आएगा? माइनस टू आएगा, माइनस वन रखकर कितना आएगा? माइनस सिक्स, माइनस वन रखकर कितना आएगा? प्लस एटीन, प्लस सेवनटीन, तो जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, तो यहां पर कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है सर। तो हाँ, यहां पर कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सो माइनस वन से तीन में ग्राफ कैसा आएगा? डिक्रीजिंग आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। ये वाली वैल्यू जब ये इसके बीच की वैल्यू रखेंगे तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब एफ डे सिक्स नेगेटिव आएगा, मतलब ग्राफ कैसा आएगा? एफ का डिक्रीजिंग, मतलब ये ऐसा डिक्रीजिंग आएगा। और इधर कैसा आएगा? इंक्रीजिंग आएगा। क्यों इंक्रीजिंग आएगा? क्योंकि माइनस वन से छोटे में ग्राफ आपने बोला इंक्रीजिंग आएगा, तो इसको जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितनी जगह कट होगा? एक से ज्यादा जगह कट हो रहा, मतलब कैसा फंक्शन है? मेनी वन। तो इतना ना ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, अगर डेरिवेटिव दो जगह जीरो आ रहा है, और मतलब और अगर यहां पर मान लो डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, समझना यहां पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है और आसपास की वैल्यू पुट कर रहे हो, मतलब कैसा ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब फंक्शन कैसा होगा? फंक्शन कैसा आएगा? फंक्शन कैसा आएगा? फंक्शन कैसा आएगा? मेनी वन आएगा, ठीक है सर। समझ के रखो, एग्जाम्पल कल की क्लास में मैंने इसलिए आज मैंने हल्का सा इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि कल आपको फील हो जाए। इनिशियल में बिगिनर को दिक्कत आएगी आएगी आएगी, तो उसमें आपका दोष नहीं है, शांति रखना है, पेशेंस रखना है, सब बनेगा भाई, सब बनेगा, गारंटी है। थोड़ा बहुत आप समझो कि क्या किया हमने, ग्राफ बना रहे हैं, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं। किसका ग्राफ बना रहे? क्यूबिक का ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं। क्या किया? डेरिवेटिव निकाल दिया, यहां पर डेरिवेटिव जीरो आ गया, उनको ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या किया कि ये कहां कहां पॉजिटिव दे रहा था, तो तीन से बड़े पॉजिटिव दे रहा था, तो तीन पर वैल्यू कैसे ही निकाली तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव दे रहा था, मतलब इसके साथ ग्राफ बढ़ेगा। माइनस एक से तीन के बीच में वैल्यू कैसे नेगेटिव आ रही है, मतलब ग्राफ कैसा ऐसा घटते हुए आएगा। और फिर यहां पर कैसा बोला, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में फिर पॉजिटिव दे रहा है एफ डे सिक्स, मतलब कैसा आएगा ग्राफ? इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? जीरो। ऐसे इस क्वेश्चन को और हम कल करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हम और करेंगे, कल की क्लास थोड़ी लंबी भी होगी, उस पर बहुत काम भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, तो और अच्छे से फील आ जाएगा, ठीक है सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप आपको थोड़ा बहुत दिमाग में आया होगा कि अगर दो जगह डेरिवेटिव से जीरो आ रहा होगा तो मेनी वन आए, इतना दिमाग में डाल के रखना, नहीं तो ग्राफ से भी दिख रहा फंक्शन कैसा है, मेनी वन। ये इस क्यूबिक का ग्राफ है। जीरो पर कितना आया? सत्रह। तीन पर कितना आया? कुछ नेगेटिव। माइनस वन पर क्या आया? पॉजिटिव। बस उसके बाद ये कैसे बनाया सर, क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव तो सिर्फ खींच दिया, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा ऐसा। तीन से बाद पॉजिटिव वाला डेरिवेटिव, मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा, इसके पहले भी ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा इस टाइप से, ठीक है सर। तो कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में खूब एग्जांपल्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर, जो हमने अभी तक पढ़ा उसके भी ऊपर, ताकि और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आए। कल के लेक्चर को आप देखना आराम से, बड़े इत्मीनान से। ये भी उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत टाइप टू तो आ गया ना, इसको मैं देख के रखो, इसलिए मैंने बता दिया ताकि कल की पिक्चर में आपको एकदम से इंसान लगे हॉलीवुड की मूवी चल रही है, आपको लगे हाँ ये तो चिल्ले यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। तो मिलते हैं कल की क्लास में विद एग्जांपल्स। थैंक यू।